नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको लोग चाहिए, रेगुलरली नए नए लोग चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर हम यही चर्चा करेंगे कि आपके पास लोग कैसे आए, आपके पास लीड कैसे जनरेट हो, कैसे आपके पास बहुत से लोग हो जिनको आप ये प्लान दिखा सके। तो आज इस वीडियो के अंदर कुछ सिंपल सिंपल चीज़ों पे चर्चा करेंगे, सिंपल सिंपल काम करने आपको, जिससे आपके पास इतनी सारी लीड्स हो जाएगी कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। दोस्तों कुछ सिंपल सिंपल स्टेप आपको लेने हैं सोशल मीडिया से आप लीड जनरेट करने के लिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको लीड्स की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पेज पे मुझे जरूर फॉलो करना। चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग टोटली डिजिटल हो चुका है दोस्तों। इस डिजिटल का इतना फायदा है कि कोई भी व्यक्ति अपना करियर बना सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। डे वन से अगर वो एक डेडिकेशन से काम करना शुरू करे तो वो अपना करियर बना सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आसानी से, क्योंकि अब ये डिजिटल हो चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर कोई व्यक्ति अपना करियर बनाना चाहे तो यहां से बना सकता है। दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं नेटवर्क मार्केटिंग का, ऑफलाइन का और ऑनलाइन का। ऑफलाइन के अंदर क्या होता था, ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती थी। वो कहां मिलती थी, ऑफिस के अंदर जाके आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। वहां पे मैं अगर मेरी बात करूं तो मंथली 4 बार मैं ऑफिस जा पाता था, जहां मुझे महीने की सिर्फ 4 ट्रेनिंग मिलती थी। वहां बहुत ज्यादा लिमिटेड ट्रेनिंग होती थी दोस्तों। लेकिन ऑनलाइन के अंदर क्या हो चुके हैं, यहां पे अनलिमिटेड ट्रेनिंग है। यहां पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी आप ट्रेनिंग अटेंड करें उसको सीरियसली उनके शब्दों को सुनना पड़ेगा, तभी यह ट्रेनिंग आपके ब्रेन पे काम करेगी। यहां अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, लेकिन इसका फायदा उठाना है। पहले रिक्रूटमेंट भी बहुत ज्यादा लिमिटेड होती थी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए ऑफिस विजिट करना पड़ता था उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। लेकिन दोस्तों वहां पे लिमिटेड रिक्रूटमेंट ही कर पाते थे। ऑनलाइन पे आ जाइए, ऑनलाइन के अंदर आप अनलिमिटेड रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए विद इन 10 मिनट के अंदर किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हैं ऑनलाइन ऐप से। यहां आप अनलिमिटेड रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। यहां लिमिटेड सक्सेस थी, लेकिन यहां अनलिमिटेड सक्सेस हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए लोग। अब लोग कहां से आएंगे, ये लोग कहां से आएंगे जिसको हम ज्वाइन करा सके नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 2021 का आंकड़ा, 38 करोड़ लोग फेसबुक पे बैठे हैं, 15 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, 62 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूजर हैं। ये सारे लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। लेकिन यहां आपको मैग्नेट बनना पड़ेगा कि आप इन लोगों को कैसे इस बिजनेस के अंदर लेके आए। इसके लिए आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास ट्रेनिंग्स है इन लोगों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये लोग आपके किसी भी काम के नहीं है। मैं आज आपको कुछ आइडियाज बताऊंगा जिससे आप इन लोगों को अपने बिजनेस के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। आप ऐसे मैग्नेट बन सकते हैं जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आए। इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी टेक्निक्स मैं आपसे डिस्कशन करूंगा जिससे आप मैग्नेट बन सकते हैं। दोस्तों इससे आप इतनी लीड्स जनरेट कर सकते हैं जितनी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपको सोशल मीडिया को यूज करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। अब तक सोशल मीडिया हमारा यूज कर रहे थे, लेकिन अब हमें यूज करना है सोशल मीडिया का। फेसबुक को कैसे यूज करना है, सबसे पहला काम करना है अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है अपनी डीपी पे। दूसरा, कुछ लिमिटेड लोगों के साथ ये 3 काम करने हैं। उसकी पोस्ट को आप लाइक कर सकते हैं, और अच्छी लगे उस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं,
कमेंट कर सकते हैं। ये भी अनलिमिटेड नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी चीज़ अनलिमिटेड हो जाती है उसकी वैल्यू घट जाती है। आपने मान लो कोई भी पोस्ट को देखा, तुरंत आपने शेयर कर दिया, किसी भी पोस्ट को देखा आपने कमेंट कर दिया, उसको आपने देखा कि नहीं देखा उससे पहले आपने कमेंट कर दिया। आपको मेजरमेंट करके लाइक करना है, मेजरमेंट करके आपको शेयर करना है, कमेंट करना है, और डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ये तीन काम आप फेसबुक पे कर सकते हैं। पहला, एक अच्छी सी प्रोफाइल बिल्ड करना है। दूसरा, कुछ लिमिटेड लोगों की पोस्ट को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। इससे क्या होगा, वो आपके साथ जुड़ जाएगा, उनकी नज़रों में आप आएंगे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होगी तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली ये मैसेज ना करिए कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है और वो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे भी आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। लोग गलती यही तो करते हैं, वो डायरेक्टली सोशल मीडिया पे जाते हैं, किसी व्यक्ति की प्रोफाइल देखते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं कि मैंने आपकी प्रोफाइल चेक करी है और मैं आपको एक बिजनेस बताना चाहता हूँ। आप सोचिए, आपको कोई ऐसा कोई बोले कि मैं आपको एक बिजनेस बताना चाहता हूँ, तो आपके दिमाग में कितनी सारी बातें आएंगी कि ये क्यों बता रहा है मुझे, इसका मैं लगता क्या हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। अब चलते हैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे भी आपको एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बिजनेस अकाउंट के अंदर स्विच कर लीजिए और डेली स्टोरी डालनी है, डेली स्टोरी डालनी है, बट किसी भी कंपनी का जिक्र नहीं करना है। आप वेबिनार का पोस्टर डाल सकते हैं, आपके ग्रुप का जो भी वेबिनार हो उसका पोस्टर आप डाल सकते हैं, लोग आपकी स्टोरी को देखेंगे। वन डे रिजल्ट नहीं देने वाली, लेकिन ये कंसिस्टेंटली आप काम करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। यहाँ पे मिनिमम एक पोस्ट आपको रोज डालनी है और आपकी पोस्ट प्रोफेशनल होनी चाहिए। यहाँ आप सिटी का हैशटैग डाल सकते हैं, जिस सिटी के अंदर आप काम करना चाहते हैं उस सिटी का हैशटैग डाल सकते हैं, उस सिटी के लोगों के साथ आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं हैशटैग डाल के। अब व्हाट्सएप पे बात करते हैं। व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये काम करने। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो बहुत सारी लीड्स आपके साथ हो सकती हैं। लोग इसका यूज़ करना नहीं जानते हैं, इस वजह से व्हाट्सएप से लीड्स नहीं आती हैं। अगेन, यहाँ पे भी आपको एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। दूसरे ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, अदर ग्रुप्स को ज्वाइन करना है आपको। वहाँ आपका मकसद यही रहना चाहिए कि आप अपनी रीच इंक्रीज कर सके, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की रीच इंक्रीज कर सके। आप अपनी स्टोरी डाल सकते हैं, आपने कोई भी मोटिवेशनल कोट्स आपने अपनी स्टोरी अपनी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है उसका लिंक डाल सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स करना है स्टेटस का। कोई भी व्यक्ति जब स्टेटस लगाता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे इस स्टेटस पे कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर आएगी। जब आप यहाँ प्रतिक्रिया करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति से आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्योंकि ये काम बहुत से लोग नहीं करते हैं और आप ये करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मान लीजिए आपने कोई पोस्ट देखी, स्माइली भेज दिया, कोई पोस्ट देखी उसको अच्छे का मैसेज भेज दिया, नाइस का मैसेज भेज दिया, छोटा छोटा शॉर्ट शॉर्ट मैसेज भेजना, यानी कि आप स्माइली भेज सकते हैं, इमोजी भेज सकते हैं छोटे छोटे। और एक जरूरी काम और करना है दोस्तों, दूसरे जो लोग हैं आपके फ्रेंड सर्किल में, उनको आप बोलिए कि मेरा एक काम करिए, मैं एक स्टोरी डाल रहा हूँ और वो स्टोरी आपकी, वो आपकी पोस्ट एक मोटिवेशनल थॉट्स होना चाहिए। उस थॉट्स को आप अपने 5-10 फ्रेंड्स को ये बता सकते हैं, ये लिंक आप अपने 5 ग्रुप्स के अंदर शेयर करिए। तो दोस्तों, यहाँ आपकी सोशल मीडिया की प्रमोशन हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, रीच बढ़ जाएगी। और व्हाट्सएप पे आप अपना एक पोस्टर बना सकते हैं, वहाँ पे पोटेंशियल 20-25,000 पोटेंशियल अर्निंग का एक मैसेज डाल सकते हैं, एक पोस्टर बना सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आप ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे जरूर कर सकते हैं। एक पोस्टर बना सकते हैं, इफ़ यू वांट अर्न मनी, इस प्रकार के मैसेज आप कर सकते हैं, इस प्रकार के स्टेटस आप डाल सकते हैं।
और यहाँ आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम से बिल्कुल डिफरेंट होता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब इस लीड को मैनेज कैसे करना है दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा मैनेज करने के बारे में, इससे समझ जाना आप। तीन काम करने हैं आपको, पहला काम करना है आपको प्रैक्टिस, दूसरा काम प्रैक्टिस, तीसरा काम प्रैक्टिस। जब आपके पास लोग आ जाएंगे, आप उनको फोन करेंगे, अपॉर्चुनिटी के बारे में उनको बताएंगे, तो प्रैक्टिस करनी है। नंबर वन पे आपको क्या, 30 लोगों के साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। 30 लोगों को फोन करेंगे अपॉर्चुनिटी के लिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ध्यान रखने वाली बात यही है, यहां लोग क्विट कर देते हैं। अगेन आपको प्रैक्टिस करनी है 30 लोगों के साथ, अगेन फिर आपको प्रैक्टिस करनी है 30 लोगों के साथ। ये शब्दों का बिजनेस है दोस्तों, यहां पे आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके शब्द अच्छे होंगे, तभी आपके साथ लोग आएंगे। पहले 30 लोगों तक कॉल करेंगे तो आपके रॉ वर्ड्स होंगे, यानी कि टूटे फूटे शब्द होंगे, उन टूटे फूटे शब्दों से कोई आए ना आए कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगली सेकंड नंबर की प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे शब्द हो जाएंगे, लेकिन जब इसी को कंसिस्टेंट रखेंगे तो अगले जो 30 लोग हैं वो माइक्रो वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां आपके बहुत से चांस बन जाएंगे कि कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करे। और दोस्तों फाइनली यहीं से क्लोजिंग होगी। अगर आपने ये प्रैक्टिस 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 ये तीन चीजें जारी रखी तो 100% क्लोजिंग जरूर होगी दोस्तों। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हर व्यक्ति के साथ शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।